केरला स्टोरी द कश्मीर फाइल से आगे निकल गई है और भैया उनके लिए काल्पनिक ही हो, लेकिन हाँ ये फिल्म देखने के बाद कहीं ना कहीं जो एजेंडाधारी लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि फिल्म रिलीज हो उनके मन में उनके दिल में दुखों का गुब्बार फूटता जाए। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जनमानस समाचार के आज के हमारे डिजिटल एडिशन में आपका स्वागत है। शाम का वक्त है और आज हम बात करेंगे सीने जगत की, हम बात करेंगे फिल्म की कहानी की। आप सभी को पता है कि रुपहले पर्दे पर फिल्म रिलीज हुई है द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी को लेकर चर्चाएं खूब है। इसको बैन कराने के लिए जमीयत उलेमा हिंद ने केरला हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन केरला हाईकोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। केरला हाईकोर्ट में कहा गया था कि ये फिल्म जो है झूठी कहानी लेकर आई है और इसको दिखाने के बाद जो वैमनस्यता है समाज में फैल जाएगी और ये एक धर्म के खिलाफ टिप्पणी है, एक धर्म के खिलाफ दिखाया गया है और इसमें कहीं ना कहीं इस्लाम को गलत दिखाने की कोशिश की गई है। तो हमारा जो केरला हाईकोर्ट है वो उसने कहा है जब एक धर्म के खिलाफ जब बातें कही जाती थी तब तो आपको कुछ पीड़ा नहीं होती थी, तो ये फिल्म है इसको फिल्म के तौर पर लीजिए। तो उन्होंने इस पर बैन और प्रतिबंध लगाने से केरला हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। अब ये फिल्म रिलीज हुई है, सुनने में आ रहा है कि ये अब झंडे गाड़ रही है, कहा भी जा रहा है कि द केरला स्टोरी 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है और साथ साथ साधु संतों ने भी इस फिल्म को देखने की अपील की है और कह रहे हैं कि सनातनियों को ये फिल्म देखना चाहिए और हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर जो लगातार उस पर जो अवरोध होते रहते थे, उस पर जो हमले होते थे, इस फिल्म को दिखाकर उस हमलों को बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब आते हैं तफ्तीश से बात करते हैं इस फिल्म की कहानी को लेकर। 2023 की सबसे शानदार ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है। पहले दिन की कमाई लमसम इसकी 8 करोड़ रुपए है, एमपी में टैक्स फ्री है और इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने 59 सेकेंड का वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया। केरला स्टोरी, लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है उनकी कैसे बर्बादी होती है ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है, ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। इस फिल्म में लव जिहाद, धर्मांतरण, आतंकवाद, षड्यंत्र और मानसिक पीड़ा और मानसिक भावनात्मकता का ऐसा ज्वार प्रस्तुत किया गया है जिसमें लड़कियां फंस जाया करती थी, उन्हें मानसिक तौर पर विचित किया जाता था, उन्हें प्रेम के जाल में ऐसे फंसाया जाता था और उन्हें धर्मांतरण के साथ साथ उन्हें एक ऐसी जगह झोंक दिया जाता था जहां से ये बाहर नहीं निकाल पाते थे खुद को और उन्हें देह व्यापार के दलदल में ढकेल दिया जाता था। ये जो पूरी फिल्म है ये सच्ची घटनाओं को दर्शाती है, ये फिल्म है जो समाज का आईना है, सही कहानी को दर्शाती है। वो कह रहे थे कि हमने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है और उन्होंने कहा कि इस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने जो है अपने सूबे में, अपने एमपी में धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाया है और लोगों से फिल्म देखने की अपील भी की है। अब इसी कहानी को लेकर हम बात करें धार्मिक नगरी वाराणसी की, तो वाराणसी में भी इस फिल्म को लेकर संतों में काफी खुशी है। साधु संत जो है जो केरला स्टोरी को लेकर
उनमें खुशी का माहौल है। वो कह रहे हैं कि केरला स्टोरी रिलीज हुई है, उन पर उनको खुशी है। और संतों ने कहा है कि चर्च का एजेंडा, चर्च की कहानी और चर्च के मंसूबे को यहाँ पर खारिज करके आज आप लोग क्या मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे इतने संख्या में लोग? कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और वर्तमान के उसको कहें कि समकालीन परिस्थितियों का एक आकलन होता है। तो ऐसी फिल्में जो सत्य पर आधारित है उसके निर्माण शुरू हुए हैं। पीछे के दिनों जब कश्मीर फाइल आई तो कहां देश भर में 600 स्क्रीन भी मिलना मुश्किल था, बाद में 6000 से ज्यादा स्क्रीन उपलब्ध हुए और उसको लेकर के एक नैरेटिव, एक चर्चा समाज में। आज सरकारी आंकड़ों में जो उपलब्ध है कि हिंदू और ईसाइयों की 32,000 लड़कियां केरल से गायब और इसमें से अधिकतर को ब्रेन वॉश करके इनको ISIS में शामिल करा दिया गया। प्रश्न यह नहीं है कि हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसका प्रश्न नहीं है। राष्ट्र की एकता और अखंडता से ये जुड़ा हुआ मसला है और इस पर कोई फिल्म आई है तो इस फिल्म को देखना चाहिए। जिन्हें सत्य से आपत्ति हो उन्हें चुनौती देनी चाहिए। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने जो लोग विरोध में गए थे उस मुकदमे को आज खारिज कर दिया और कहा कि ये फिल्म प्रदर्शित होनी चाहिए, तो हम साधु संतों के साथ इसे देखने के लिए आए। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। स्वाभाविक है कि AICC का अर्थ है ऑल इंडिया चर्च कांग्रेस, तो चर्च कांग्रेस तो इसका विरोध करेगी ही करेगी, क्योंकि उसे हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं और वो मानते भी हैं इस बात को। तो जितने भी एंटी नेशनल टूलकिट हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं वो विरोध तो करेंगे ही करेंगे। और तत्कालीन जो लोग हैं उनके मंसूबों को यहाँ पे ध्वस्त किया गया है। संत समाज कहता है कि उन्हें किसी पॉलिटिकल विंग से लेना देना नहीं है, फिल्म का विरोध करना गलत बताया गया है। संतों ने पुरानी सरकारों को हिंदू विरोधी होने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। ये संतों की कहानी है, संतों का कहना है। अब ये बात करें द केरला स्टोरी की, विरोध तो हो ही रही है। केरला स्टोरी कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी, कश्मीर फाइल, वो कश्मीर फाइल का रिकॉर्ड को वो तोड़ दिया है और वो जो है केरला स्टोरी द कश्मीर फाइल से आगे निकल गई है। और द केरला स्टोरी 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म है, वो उन्होंने पहले ही बताया, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। द केरला स्टोरी है जो हाल फिलहाल में रिलीज हुई जो फिल्में हैं शहजादा, सेल्फी, उनको भी ये ओपनिंग के मामले में पीछे छोड़ दी है। पहले दिन 7.50 करोड़ यानी कि 8 करोड़ रुपए का उसने बिजनेस किया है और द कश्मीर फाइल ने पहले दिन इससे कम बिजनेस किया था। देश भर में जहां इस 630 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, द केरला फाइल्स ने 3,65,00,000 पहले दिन जो है उसने कमाई की थी। केरला स्टोरी से कश्मीर फाइल की है जो आमदनी थी वो काफी कम हुई थी। और अभी भी जो द केरला स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर ही रहे हैं, तो केरला स्टोरी को लेकर घृणित चर्चाएं भी हो रही हैं। लोग कह रहे हैं मनगढ़ंत घटनाएं हैं, एक धर्म पर आक्षेप लगाया जा रहा, एक धार्मिक कहानी है, मानसिक पीड़ा है, मानसिक कलेश है, मानसिक भावनाएं हैं, ऐसी कहानियों का बात किया जा रहा है। और हम बात करें फिल्म को रिव्यू को लेकर, तो आप देख लीजिए अगर बड़े से बड़े वेब पोर्टल हैं जो कहानीकार हैं वहां पर इस फिल्म को औसत दर्जे की कहानी कही गई है, औसत दर्जे का संवाद लेखन कहा गया, औसत लिखेगा औसत दर्जे का इसकी जो है सिनेमेटोग्राफी बताई गई है। इस फिल्म को बड़े 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 शेरखान जो हैं मीडिया जगत के, बड़े बड़े फिल्मकार जो हैं, बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स लिखने वाले हैं, बड़े बड़े आर्टिकल लिखने वाले, फिल्म रिव्यू करने वाले, इसकी समीक्षा में इस फिल्म को काफी कम औसत दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, उसको औसत दर्जे की फिल्म बताई। और जो औसत दर्जे की फिल्म है पहले दिन ही साल भर की सबसे बड़ी कमाई की कहानी भी रच दी है, कई बड़ी कमाई की कहानी उगड़ दी है। तो ये चरित्र, ये कहानी जो है, हमने जो केरला स्टोरी के बारे में आपको बताई है, जो केरला स्टोरी में जो 350 लड़कियों की धर्मांतरण कहानी है, ये आप सुनिएगा तो ये आपको भावुक कर देगी, वो आपको भावुकता के दलदल में ढकेल देगी। ये जानकर आप में दर्द तो होगा, आप में पीड़ा भी होगी। और जो कह रहे हैं कि फिल्म काल्पनिक है, तो भैया उनके लिए काल्पनिक ही हो, लेकिन हाँ, ये फिल्म देखने के बाद कहीं ना कहीं जो एजेंडाधारी लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि फिल्म रिलीज हो, उनके मन में, उनके दिल में दुखों का गुब्बार फूटता जरूर नजर आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप में जरूर बताएं। दोस्तों, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ,
केरला स्टोरी जाकर जरूर देखें, थिएटर में जाकर जरूर देखें और उनकी मेहनत को सराहें जिन्होंने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है और सच्चाई को पहले पर्दे पर लाने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।